पब्लिक टीवी आपकी आवाज। समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य विनोद सविता सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार में किसान, मजदूर, नौजवानों का जितना उत्पीड़न हुआ है, अब उसका बदला लेने का समय आ गया है। सभी लोग समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। जिलाध्यक्ष डीपी यादव ने भी भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि इस सरकार ने पिछड़े और दलितों पर अत्याचार किया है और मौजूदा सरकार सभी मुद्दों पर फेल हुई है, चाहे वो महिला सुरक्षा हो या बेरोजगारों को रोजगार देने में हो। समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक की जिला कार्यकारिणी का विस्तार हुआ। जिलाध्यक्ष डीपी यादव द्वारा जिला महासचिव मुदस्सिर खान द्वारा सभी को मनोनयन पत्र वितरित कराए गए। निर्देश दिया गया कि सभी पदाधिकारीगण अपने अपने विधानसभा में जाकर पार्टी का प्रचार प्रसार शुरू करें। पार्टी को सन 2022 में मजबूती के साथ सरकार बनाने का काम करना है। जिस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने हमारी बहनों के साथ बलात्कार हुआ, लूट डकैती हत्याओं का क्रम बढ़ा, महंगाई कमर तोड़ हुई, उससे निजात अगर पाना है तो श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाना है। सर, आज राघव जी से गठबंधन किया गया है, क्या कहेंगे? मुझे उम्मीद है, भरोसा है कि ओम प्रकाश राजभर जी, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ साथ मैं जाने कितने नेता 20 दिसंबर आचार संहिता के बाद समाजवादी पार्टी से जुड़ेंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जिस दिन 20 दिसंबर को आचार संहिता उत्तर प्रदेश में लागू होगी, समाजवादी पार्टी अकेले बल पर 350 विधानसभा सीट जीतने में आगे निकलेगी। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।